शिवपुरी में बेटी के हत्यारे दामाद को सजा दिलाने एसपी के पास पहुंची मां, पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। 3 माह से एक महिला अपनी नवविवाहित बेटी की मौत के जिम्मेदार पति को सजा दिलाने के लिए पिछोड़ थाने के चक्कर लगाकर परेशान है। महिला आज मंगलवार को बेटी को न्याय मिल सके इसकी फरियाद देकर एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उसने बेटी की मौत के जिम्मेदार अपने दामाद को सजा दिलाए जाने की गुहार एसपी से लगाई है। पिछोड़ थाना क्षेत्र के जराय गांव की रहने वाली वीरवती लोधी पत्नी केदार लोधी ने बताया कि उसकी बेटी विनीता लोधी 22 की शादी उत्तर प्रदेश के बवीना जिले के हीरापुर गांव के रहने वाले सचिन पुत्र खलक सिंह लोधी से 1.5 वर्ष पहले की गई थी। वहीं शादी के 1 साल तक बेटी को अच्छे से रखा। इसके बाद शादी के 13 माह बाद बेटी को मारपीट कर ससुराल से भगा दिया। इसके बाद से बेटी करीब 2 माह से अपने मायके रह रही थी। 16 अक्टूबर 2023 को मेरा दामाद सचिन बेटी विनीता को लेने मायके आया हुआ था। मैं बेटी को विदा करने के लिए बाजार कपड़े लेने गई हुई थी। वहीं लौटकर जब मैं घर आई तो बेटी को मेरा दामाद बेरहमी से पीट रहा था। मैंने दामाद को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना, वो बेटी के साथ मारपीट करता रहा। इससे नाराज होकर बेटी ने जहर पी लिया था। इसके बाद उसे उपचार के लिए एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा था, तभी दामाद बीच रास्ते में से उतर कर भाग गया और उसी रात मेडिकल कॉलेज में बेटी की मौत हो गई थी। वीरवती ने बताया कि बेटी की मौत के बाद मेडिकल चौक की पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम कराया था। इसके बाद मर्ग की डायरी पिछोड़ थाने में भेज दी गई थी, लेकिन आज तक पिछोड़ पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की है। इसकी शिकायत लेकर आज वे एसपी ऑफिस पहुंची है और बेटी को न्याय दिलाए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? वीरवती। यहाँ एसपी ऑफिस आप किस लिए आए हो? बाकी लाने आए साहब, हमें रिपोर्ट नहीं ले रहा है। कहाँ की रिपोर्ट है? चोर की। क्या हुआ है बता पूरा? लड़की खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई पूरी बात बताओ। सर ने बहन ने मारी दामाद ने। क्या नाम है दामाद का? दामाद का सचिन। कहाँ रहते हैं ये? ये हीरा पर। कहाँ पड़ता है? बवीना। बवीना उत्तर प्रदेश। किस बात को लेके मारपीट हुई? मारपीट ऐसी भाई के लुआवे आए थे, तो लुआवे में मैंने कही के मैं कपड़ा वपड़ा ले आऊँ, तुम जो ना रुकी गो, मैं कपड़ा ले भी चली गई, जो ना भाई धमकी दई, मैं उतर से ले भी आई, तुम मोड़ी आड़ी डरी रहा। मैंने पूछी के का बेटा कला मुँह मारी है, मैं सामने उठा के लट गया, वो 4-5 बार फटका रही, मैंने पकड़ो सुम उठा के फेंक दई, कह रहे थे तेको हो सकत, मैं तो मार के फेंक सकत। सुबह ने जो कही कि मैं मार के तुम्हारे हाथ ने काम खुद मरी जा, बार मार पकड़ के घसीट डा रही, वहाँ मैं 4-5 लठियाँ दे डा रही, गाल में पाठा दे डा रही खूब। सु तो आपने बचाया नहीं उनको? मैंने बचाया, हमने हमें फेंक दिया उठा के। थाने में रिपोर्ट लिखाई? रिपोर्ट रहना आई थी सेना लिखाई, मुना चोर में लिखाई हमने, सुनवाई नहीं हुई। पीएम हुआ तो उसका? हाँ। तो आप कह रहे थे उसने जेर भी तो खाया था आपकी बेटी? जेर में खाए, जेर फिर खाओ बाद में। तो क्या मारने से खत्म हुई है कि जेर खाने से खत्म हुई है? मार भी मारी भी ने, फिर बाने जेर खा लो मार भी की बात। अच्छा, गुस्से में? गुस्सा में। तो इसका दोषी किसको मानते हैं आप? भी है दोषी आपके दामाद? दामाद तो यही दोषी, जब हम पहुँचा रहे वो तुम नेगी थे कहीं बोल नहीं, तो मैं नहीं इसी वक्त चल थाने में चल कर लाए, चल इसी वक्त निपट के यहाँ, वो उते बाप लगो कह भी चल मैं मोबाइल पर रुपये जुड़ा रहे थे निपट के यहाँ जी आज सुबह ने पाए भाई धमकी में भाई मारी खूब जितने वह मानने की, वो कला चल इसी वक्त मैं इसकी लुआ चल रहा हूँ तू, मैं कला थाने में निपट, मैंने जा कही कि बाकी बाप को आ जा दो फिर निपट ली, मैं अकेली काका ला ला नहीं करो जाओ, मैं फोन लगाओ सुबह कला बोमी को उसका मादर चूत को भाई फेंक दे मार के।